कह दिया ना, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन बाद में रो के बिलख के मत कहना कि अम्मा जी ने फंसा दिया। नहीं करेंगे शिकायत और रोएंगे भी नहीं। सत्ती भैया जी, अम्मा जी घर पर नहीं है, दरवाजा खुला छोड़कर कभी जाती भी नहीं। आज पता नहीं क्या हो गया, गंगा भी घर पर नहीं है। गंगा नहीं है, कहाँ चले गई वो? गंगा, अम्मा जी, पूरे घर में देख लिया, अम्मा जी कहीं भी नहीं है। विधवा आश्रम में भी फोन करके पूछा मैंने, अम्मा जी और गंगा वहां भी नहीं है। अजीब बात है, कहाँ चली गई दोनों? पता नहीं पापा और रोजी घर पहुंचे भी होंगे कि नहीं, उन्होंने चिट्ठी पढ़ी होगी कि नहीं। भगवान जी, सबसे पहले पापा और रोजी को चिट्ठी के पास ही लेकर जाना। ये चिट्ठी मैं गंगा से लिखवा रही हूँ, लिखावट उसकी है पर बात मेरे मन की। कल जो कुछ हुआ उसके लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार मानती हूँ, मेरी ही गलती से इतनी बड़ी अनहोनी हो गई। सच कहूं बहू तो दिन रात गंगा को विधवा जीवन के नियम कायदे सिखाने वाली मैं खुद ही भूल गई कि विधवा होने के नाते मैं भी अब शुद्धनी हूं। अनजाने में से ये भूल मुझसे ही हुई है और अपनी इस भूल के लिए मैं तुझसे और नीरू से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूं बहू। अब शायद तुम सबसे कभी मिलना ना हो क्योंकि मैं वृंदावन जा रही हूँ, वहीं के किसी विधवा आश्रम में बचे कुछ दिन बिता दूंगी। तुम सब खूब आनंद में रहना, मेरी चिंता मत करना। तुम्हारी अम्मा जी। पापा पीछे भी कुछ लिखा है। अम्मा जी बहुत दुखी हैं बाबू, जब से अस्पताल से आई हैं बस रोए जा रही हैं। बोलती हैं कि उन्हीं के कारण बहू जी का बच्चा भगवान जी के घर चला गया। हमसे जबरदस्ती चिट्ठी लिखवाई उन्होंने, हमने तुम्हारा फोन भी लगाया पर नहीं लगा। तुम जल्दी से घर आ जाओ बाबू, तुम ही रोक सकते हो अम्मा जी को, हम भी उनके साथ जा रहे हैं। उन्हें बुखार है ना, अकेले नहीं छोड़ सकते। अगर तुम समय पे आ गए तो बहुत अच्छा, नहीं तो इतने बड़े वृंदावन में कहाँ ढूंढोगे हमें। अम्मा जी ने एक बार बताया था वहाँ बहुत सारे विधवा आश्रम है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से विधवा आश्रम में है? तुम आ जाना बाबू। तुम्हारी बात मानकर अम्मा जी लौट आएंगी घर। अम्मा जी से वो सब क्यों कह दिया मैंने, अपनी तकलीफ में उनका दिल दुखा, ये नहीं सोचा कि वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगी। अम्मा जी टिकट मिली? वहाँ कहाँ रहेंगे हम लोग, आश्रम में ना, और जलेबी बरसात को भी साथ ही रखेंगे ना अम्मा जी। चुप नहीं रह सकती तू, हाँ यात्रा शुरू नहीं हुई और शुरू हो गई इसकी पटर पटर। तुम जल्दी से घर आ जाओ बाबू, तुम ही रोक सकते हो अम्मा जी को। मैं बस स्टैंड जाकर देखता हूँ, शायद वही मिल जाए दोनों। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं माधवी, इतनी कमजोरी में कैसे? अम्मा जी मुझसे नाराज होकर गई है और मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी, प्लीज मुझे भी ले चलिए। ठीक है आओ चलो। क्या हो गया तुझे कांता, क्यों किया ऐसे तूने? अबे वृंदावन वृंदावन वृंदावन, भाई बस जा रही है, चलो जल्दी चलो। चल
बैठी क्यों है? नहीं चलना तो ठीक है, जा वापस घर चली जा। तो जाना ही होगा जलेबी प्रसाद, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? स्कूल जाना तो दूर की बात, वहां तो भीख मांगनी पड़ेगी। फिर बड़े होकर हम बाबू जैसे कैसे बनेंगे? लेकिन अम्मा जी को अकेले भी तो नहीं छोड़ सकते ना, कितना बुखार है उन्हें। वृंदावन चले गए तो बाबू कभी ढूंढ नहीं पाएंगे, कहाँ करें अब हम जलेबी प्रसाद? तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा, तू जा वापस घर। नहीं अम्मा जी, हम आ रहे हैं। गंगा सुनिए, आप उधर की बस में जाके देखिए, मैं यहाँ देखती हूँ। तुम मेरे साथ ही रहो, ऐसे में तुम कहाँ? मेरी चिंता मत कीजिए, इस वक्त अम्मा जी और गंगा को ढूंढना ज्यादा जरूरी है, आप जाइए मैं यहाँ देखती हूँ। बोल के जाओ उधर देख बेटा। अम्मा जी, गंगा, अम्मा जी, गंगा, दादी, गंगा, 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 दादी, दादी, भाई साहब, आपने किसी बुजुर्ग औरत या छोटी बच्ची को देखा क्या? गंगा, गंगा, दादी, गंगा, गंगा, सागर, मिले? नहीं मिले, गंगा। एक काम कर, तू आ ढूंढ, मैं यहाँ देख। ठीक है, गंगा, गंगा, दादी, कहाँ बाबू? जल्दी से आ जाओ, प्लीज। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, गंगा, हमसे गुस्सा मत होना सागर, हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे एकदम से चले जाएंगे, तुमसे मिलना भी नहीं हुआ। गंगा कहाँ चली गई है तू? उससे बिना बोला कैसे जा सकती है तू? दादी कहाँ हो आप? गंगा! भाई साहब, अंदर कोई बूढ़ी औरत और बच्ची तो नहीं है सफेद साड़ी में? गंगा, गंगा, अंकल, आपने एक सफेद साड़ी वाली लड़की को देखा? दादी, गंगा कहाँ गई? आओ वृंदावन, तलब बस जा रही है भाई, आओ। अब कुछ नहीं हो सकता सागर, हम तुमसे कभी नहीं मिल पाएंगे, बाबू, भौजी, प्रकृत भैया, किसी से भी नहीं। सागर, सागर, लल्ला,
पागल जैसा दौड़ा, एक गिर गया। पागल, पागल, गिर गया मेरा लल्ला, अरे बजा चो। ठीक है तू, दादू, कुछ नहीं हुआ है मुझे। क्या हुआ तुझे लल्ला? क्या तेरा दौड़े? आपने उससे प्रॉमिस किया था ना दादी, क्या मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे? आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो दादी, बोलो ना दादी, मुझे छोड़ के जा रही हो आप? देखो खून भी निकल रहा है। अम्मा जी, अम्मा जी, मैं आपके लिए पराई से, लेकिन सागर, पुलकित और ये तो आपके अपने हैं ना, आप चली जाएंगी तो ये कैसे रहेंगे आपके बिना? और अम्मा जी, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ समझा, एक माँ अपनी बेटी के लिए अशुभ कैसे हो सकती है? मुझे माफ कर दीजिए अम्मा जी, हजार बातें सुना लीजिए, जी भर के मारी, लेकिन इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, अपने नीरू को छोड़कर मत जाइए। कोई भी कहीं नहीं जाएगा पापा। हम हमेशा एक साथ रहेंगे। हाँ, हमेशा दादी। सोच क्या रही है अम्मा जी? अपने घर चलिए। जाने भी तो नहीं देंगे हम आपको, चलिए। मान जाओ ना अम्मा जी। माफ कर दे नीर, माफ कर दे बो। नहीं अम्मा जी, ये आप क्या कह रही? आई, उठ। अम्मा जी, आपको तो बुखार है, चलिए पहले डॉक्टर के पास चलते, चलिए। नहीं नहीं नीरू, मैं तेरी अंग्रेजी दवा नहीं खाऊंगी। अम्मा जी, तो अपनी वाली दवा खा लो ना, हम लाए हैं साथ में, बिल्कुल भी पकड़ना। पी लो अम्मा जी, इसमें तुम्हारी सारी दवाई है। और तुम्हारे कमरे में जो भी दवाइयाँ पड़ी थी ना, सब इसके अंदर ही रखी है हमने। हाँ, ये तो है मेरी बीपी की दवाई ये। अरे ये बुखार की दवाई पता नहीं कहाँ रखी है। ये कौन सी दवाई? ये तो मेरी दवाई नहीं है। हाँ, ये तो किसी और वैद्य की दवाई है। वैद वैद कुछ नहीं नीरू, ये तो कोई पाखंडी होगा, क्या लिखा है इसमें, मेरा नहीं है ये। लेकिन तुझे कहाँ से मिला ये? यही दवा तो भौजी को दी थी अम्मा जी। क्या कह रही है? ये मैंने नहीं दिया था नीरू, सच्ची बहू, मैंने तो दूसरी दवाई दी थी, खुद अपने हाथों से उसे मिला के मैंने पिलाई थी बहू को। तुम्हें पता है माँ जी कि तुमने दूसरी दवा मिलाई थी। तो फिर किसने दी थी ये दवाई? तुम्हारी जीजी ने। हमने देखा तो उन्हें दूध में दवा मिलाते हुए, और बाद में जब बहू जी अस्पताल चली गई थी ना, तो तुम्हारी जीजी ने ये डब्बी कचरे के डब्बे में फेंक दी थी। हमें लगा है तुम्हारी दवा ये,
असलम ने वहां से उठा ली। शांता जी इतना कुछ हो गया और किसी ने हमें बताया तक नहीं। अरे इन फोन को कर लेते, खैरिये मैं इनको बताती हूँ। सुनिए जी, आपको पता है माधवी दीदी के साथ क्या हुआ? आप जल्दी आइए। पर जब मुझे पता चला तो मुझे भी बहुत धक्का लगा। कांता जानबूझ के ऐसा पाप नहीं करेगी, पर होने को कौन रोक सकता है? पता नहीं क्या था उस बैद जी के दवा में। मैं बताती हूँ क्या था। इसे पहचानती है जीजी? मैं वो नहीं, वो आपको पता नहीं लेकिन मुझे पता है। आपकी इसी दवा की वजह से बहू ने अपना बच्चा खो दिया, ना कि मेरे बैद जी की दवा से। क्यों जीजी? क्योंकि आपने ऐसे, आप तो मेरी बड़ी जीजी है ना, मेरी अपनी बहन। इतना बड़ा धोखा आपने कैसे किया मेरे साथ? ऐसा खेल रचा जिससे सारा इल्जाम मेरे सर पर आए। क्या बोल रही है कांता तू? अपनी बड़ी बहन पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रही है? हिम्मत कैसी हुई तेरी? अपनी आंखों से तूने मुझे देखा है? बोल। हमने देखा है। अम्मा जी जब रसोई से चली गई तो तुम दूध में कुछ मिला रही थी, बाद में बोतल तुमने कचरे में फेंक दी। हमने देखा था। सपने में देखा होगा। इस लड़की के बात पे बिल्कुल भरोसा ना करना। कुछ भी बोल रही है ये लड़की। हमें पता था तुम मानोगे नहीं, उल्टा हमें झूठा बोलोगी, इसीलिए हम किसी को साथ भी लाए हैं। अंदर आ जाइए। इन्हें जानते हैं? हाँ, मेरे पास आई थी ये बहन जी, और मैंने इन्हें गिलहरी छाप नूरानी भस्म भी दी थी। ये मेरी दुकान के पास ही बैठता है, अपने आप को वैद्य समझता है। अरे इसकी दवा से ही हजारों लोगों का नुकसान हुआ है। पापा, शांता दादी मासी बहुत बुरी हैं। मुझे और गंगा को डराती थी, बोलती थी कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मैं चली बे साथ के बारे में सबको बता दूंगी कि तुमने ये छुपा के रखा है। मैं आपकी कितनी इज्जत करती थी मासी जी, इतना भरोसा किया आप पर, और आपने मेरे ही परिवार में आग लगाने की कोशिश की। बहू बहू कहकर लाड जताकर इतना बड़ा दुख दिया है, इसे जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी मैं। क्यों मासी जी, क्यों किया ऐसा? शांत हो जा बहू, शांत हो जा। क्यों क्यों किया जीजी आपने ऐसा? हाँ, मेरे हंसते खेलते परिवार में ऐसा जहर क्यों घोल दिया आपने, बताइए। मैं बताता हूं शांता ने ऐसा क्यों किया। जीजा जी, वो तो अच्छा हुआ कल सागर ने घर पे फोन करके मुझे सब कुछ बता दिया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता शांता यहाँ क्या कर रही है। शांता, तुम्हारा अपना बेटा और बहू तुम्हारी इज्जत नहीं करते तो अपनी छोटी बहन का घर उजाड़ने चली आई? मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बहुत शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन सच यही है कि हमारी बहू शांता के साथ दुर्व्यवहार करती है।
बेटा भी बहू के कहने पे ही चलता है। अब क्योंकि घर मेरी कमाई से बना इसलिए मजबूरी में ही सही, वो लोग थोड़ा बहुत सम्मान करते हैं मेरा, लेकिन शांता के लिए उनके दिल में जरा भी आदर नहीं है। इसलिए शांता अपनी इज्जत बनाने के लिए थोड़ा दिखावा करती है कि बहुत खुश है, जबकि सच्चाई ये है कि शांता अंदर से बहुत दुखी है और यही दुख कड़वाहट में तब्दील हो गई। शांता, तुम्हें सुख नहीं मिला तो तुमसे अपनी छोटी बहन की खुशी देखी नहीं गई? उसने कभी तुम्हारा कुछ बुरा नहीं किया, फिर इससे किस बात का बदला ले रही? दरवाजा खोलिए जीजी, ये क्या बचपना है, खोलिए। बचपन में भी जब आप नाराज होती थी तो इसी तरह से दरवाजा बंद करके बैठ जाती थी। जीजी आपको मेरी कसम, आपकी छोटी बहन की खातिर दरवाजा खोल दीजिए।